अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं अरबी कीमा। बहुत ही आसान वीडियो को आज तक वॉच करिएगा देखने के लिए ये कैसे बनता है। अरबी कीमा बनाने के लिए हमने लिया हाफ के जी अरबी, एक टमाटर चाहिए स्मॉल साइज में कटा हुआ, दो लाल मिर्च, अगर आपके पास ग्रीन है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, दो प्याज, हाफ कप दही, स्पाइसिस में हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने यहाँ पर लिया है बीफ का कीमा 500 ग्राम, आप चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब कुकर में एक कप ऑयल शामिल करेंगे, फिर इसमें शामिल करेंगे प्याज, प्याज को 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे ड्राई स्पाइसेस। अब हम इसको 5 मिनट के लिए कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पर। फिर हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम प्याज को कुक करेंगे जब तक कि वो ब्राउन ना हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। फिर हम इसमें शामिल करेंगे कीमा और इसको मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे 20 मिनट के लिए। अब इसके अंदर लगातार चम्मच मिक्स करते रहना है, आपको सारे इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अब हम इसमें शामिल करेंगे स्पाइसेस। स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर 4 मिनट के लिए। में शामिल करेंगे टमाटर, लाल मिर्च, अब हमने इसमें शामिल किया दही। दही को अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर इनको 5 से 8 मिनट के लिए कुक होने देंगे। अब इसमें शामिल करेंगे अरबी, अरबी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 1 गिलास पानी, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अरबी को कुक होने के लिए। 20 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन हटाया है, बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और चेक करेंगे हमारी अरबी अच्छे से कुक हो गई है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अरबी भी अच्छे से कुक हो गई है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसको डेकोरेट करें धनिया के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टेस्टी बनी थी, आप इसे ज़रूर ट्राई करो और कमेंट सेक्शन में बताएं कैसी लगी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।